दोस्तों, क्या इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं? अगर हाँ, तो बाकी के बंदर अभी तक इंसान क्यों नहीं बने? ये सवाल अभी भी कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है इंसानों के दिमाग में ये विचार चार्ल्स डेविन की थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से आया है। हाँ, ये सच है। ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी पर सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा हम बंदर से डायरेक्ट इंसान बन गए हैं। अगर हम ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मिलाएंगे तो 93% मैच होता है और चिंपैंजी से 99%। यानी ह्यूमन और एपिस भले ही दोनों अलग अलग प्रजाति है, लेकिन इवोल्यूशन की प्रोसेस में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए हैं। साइंस के मुताबिक इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया और वो थे होमिनिडाई। बाद में लाखों साल इवोल्यूशन के दौरान होमिनिडाई कई सारी स्पीसीज में डिवाइड हुई और इस डिवीजन के चलते एपिस और ह्यूमन अलग अलग स्पीसीज में विकसित हुए और यही वजह है हमारे डीएनए आपस में इतने मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये है हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, ना कि हम बंदर और चिंपैंजी से विकसित हुए। आगे जाके बंदर इंसान बनेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा।